मेरे चैनल पे आपको स्वागत है। आज मैं फिर एक नया रेसिपी लेके आई हूँ। रेसिपी का नाम है घी से बनाया हुआ मावा। जो घी बनाकर मावा बसता है वही मावा से इसको खुरचन भी बोलते हैं। तो खुरचन से हम मिठाई बनाने वाले हैं। घी से निकला हुआ मावा का मिठाई बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा घी, एक चम्मच बड़ा चम्मच का, थोड़ा सा नारियल ग्रेट करके रखी हुई हूँ, एक कप दूध। कंडेंस मिल्क लगाने से भी होगा, नहीं लगाने से भी, आपका ऊपर है। मेरा घर में पड़ा हुआ था इसीलिए मैं थोड़ा सा डालूँगी। ड्राई फ्रूट का कुटी हुई इसको भी डालना है और एक पैकेट जैसा अमूल्य मिल्क पाउडर। चलिए शुरू करते हैं खुरचन का मिठाई बनाने के लिए। गैस ऑन करते इसमें खड़े बैठा के इसको थोड़ा हाई फ्लेम पर भूनना है। इसमें भी घी है इसलिए घी का मात्रा थोड़ा कम ही लगता है। इसको आस्ते आस्ते भूनना चाहिए। भुना हो गया, इसमें हम अब नारियल का गुदा ऐड कर देते हैं। आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। नारियल मुझे पसंद है इसलिए मैं लगाती हूँ। जब भी बनाती हूँ मावा निकलता है, मैं इसी तरह से मिठाई बना के हाथ में लगाती हूँ। और लोग नंबर भूनना है। और इसमें चीनी ऐड कर देते हैं, एक बटी चीनी। इसको लो फ्लेम पर भुनना है नहीं तो जल जाएगा। अब इसमें पाउडर दूध ऐड कर देते हैं। बहुत कोई मावा फेंक देते हैं बनाने के बाद, लेकिन इस तरह से बनाकर मिठाई बनाकर खाने से बहुत अच्छा होता है। अब इसमें हम दूध ऐड करते हैं, एक कप दूध। चलाते रहना है नहीं तो नीचे लग सकता है। दूध डाला था, सोक कर लिया है। इसमें थोड़ा सा मिल्क मेड बढ़ाते हैं।
4 चम्मच। और थोड़ा सूखने देते हैं इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर दें। जब घी छोड़ने लगेगा तब मीठा हो गया समझना चाहिए। इसी तरह से चलाते रहना चाहिए। अब हो गया है घी छोड़ने लगा है कढ़ाई से। हम इसको निकालते हैं। निकालने से पहले इसमें इलायची पाउडर लगाने से सुगंध बड़ा अच्छा होता है। हम इसको एक प्लेट में डालकर इसको फैला देते हैं। उसके बाद आप जिस तरह से आपका मन करे उसी तरह से साइज दे सकते हैं मिठाई का। हो गया। आप इस गैस ऑफ कर देते हैं। प्लेट में डालते हैं। इसी तरह से मैंने प्लेट में डाल लिया है। अब इसको इसी तरह से फैलाना है। इसको एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में सेट होने के बाद इसको निकाल कर हमें सेक करना है। एक घंटा हो गया। हमने फ्रिज से निकाल लिया है। इसको हम सेक देते हैं। मैंने कट कर लिया है। मैंने इसको स्क्वायर शेप कर दिया है और ऊपर से मैंने काजू से टॉपिंग कर लिया है। आप भी आपका मनपसंद शेप दे सकते हो। आप भी बनाइए। इसे बनाने आसान है। मैंने होली के अवसर पर ये मिठाई बनाई है। आप भी बनाइए। आप भी ट्राई कीजिए। इसी तरह से बनाइए। अपना फैमिली को खिलाइए। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब मुझे वीडियो बनाने में नई प्रेरणा मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।